नमस्कार, T20 2024 बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं ताबिश हुसैन, मनोरंजन भारती है स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले अब से थोड़ी देर में सेमीफाइनल मुकाबले की। ये जो मैच है ये अब एक कदम दूर से फाइनल से हम यहां पर हैं और यहां पर मुकाबला करना है इंग्लैंड से। बाबा, पिछली बार का हिसाब बराबर करना है इनसे और यहां पर फाइनल के लिए रास्ता तय करना है। जी हां, दोनों टीमें जो है टक्कर की मानी जा रही हैं और ये जो मैच है उस पर निर्भर करेगा फाइनल का टिकट जो है भारत के लिए क्या होता है। क्या भारत जो है अपने हार का बदला ले पाएगा, क्या डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो भारत के लिए एक बार फिर से बाधा बनेगी। लेकिन सबसे सबकी निगाहें जो है वो इस बात पर है कि मैच होगा कि नहीं होगा। वेदर को लेकर के, मौसम को लेकर के काफ़ी कुछ जो है बातें की जा रही है। डॉक्टर नीलेश मेहता हमारे साथ हैं जो कि डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं लेकिन क्रिकेट के भी जानकार हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर मेहता, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV से जुड़ने के लिए। जरा आप बता दीजिए मौसम का मिजाज, कितनी दूर हैं आप स्टेडियम से, क्या है वहां पर? मौसम का मिजाज तो चेंज होता रहता है और अभी देखिए तो क्लाउड्स काफी ऊपर है। अभी सुबह दो बार बारिश हो चुकी है स्टेडियम के नजदीक से और 70% चांसेस है अराउंड 12 बजे बारिश होने के, लेकिन मुझे लग रहा है कि एज ऑफ राइट नाउ 50-50 लग रहा है मुझे। गेम तो होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ का जो पिच का जो सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा है मैंने सुना है। लेकिन अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ स्टेडियम से बहुत दूर नहीं हूँ, एज ऑफ राइट नाउ बारिश अभी नहीं हो रही है। सुबह दो बार बारिश हो गई 5 मिनट के लिए और फिर बंद हो गई। सो ये तो मतलब अपने शो का नाम जैसे है गूगली, मदर नेचर क्रिकेट प्रेमियों के लिए गूगली डाल रही है। बारिश नहीं हो रही है, बहुत राहत की खबर ये आपने दी है। वहां से आपके पीछे मौसम देख रहे हैं काफी सुहाना, लेकिन क्रिकेट के फैंस नहीं चाहेंगे कि आज ये मौसम जो है सुहाना रहे। बाबा, यहाँ पर बारिश तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो इस मैच पर आगे चर्चा करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ इस मैच पर चर्चा करनी है, हमारे साथ बने हुए हैं अशोक मल्होत्रा जी, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, इसके अलावा रतिंदर सोनी हैं पूर्व क्रिकेटर हैं, आप भी अभिषेक नायर हैं पूर्व क्रिकेटर हैं, और डॉक्टर नीलेश मेहता जिन्होंने वहाँ का हाल सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाया। यहाँ पर आपके पास मैं आना चाहूँगा अशोक जी, ये जो पिच है एक तो वैसे ही स्पिनर्स को मदद करती है ये माना जाता है इसके बारे में, और अब तो बारिश भी यहाँ पर हो गई है, क्या लगता है मैच हो पाएगा? अगर हुआ तो फिर यहाँ पर स्पिनर्स का इस बार मैच में जो है वो बोलबाला रहेगा आज के? देखिए, पूरे इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजों का बोलबाला, क्योंकि आमतौर पर बल्लेबाजों का बल्ला बोलता है लेकिन इस बार उनकी बॉल बोल रही है, और जिसके चलते आप देखिए इतने बड़े रन नहीं हो रहे। और फिर गायना का पिच ऐसा है जो लो एंट्री हो गए, जो बल्लेबाजों को इतना रास नहीं आने वाला। यहाँ पर अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो अगर आप 170-180 रन बोर्ड पे लगा देते हैं तो आपके मैच जीतने की संभावना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसी पिच है जहाँ पे बॉल उतना बेहतर नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, और हालांकि उतना खराब नहीं होगा जितना साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच है, लेकिन उतना बेहतर भी नहीं होगा जहाँ बॉल आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाए, आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर पाए, और वो बल्लेबाज जो बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं उनको थोड़ा संयम से खेलना होगा क्योंकि बॉल बल्ले पर उतनी बेहतर नहीं आ रही। सोढ़ी साहब, आपको क्या लगता है कि पिच की बात मल्होत्रा सर ने की है, आज सुबह जो मैच देखा कम से कम तौबा वैसी पिच तो नहीं होनी चाहिए? जी हम उम्मीद करते हैं बाबा वैसी पिच ना हो, और जैसे अब ये चौकीबाजी कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अडेप्ट करना होगा। हो सकता है इनिशियली 6 ओवर रन ना बने, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, जूझना पड़े, स्पिनर्स का बॉल थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो, वहां भी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन देखिए वही टीम जीतेगी जो पिच को बेहतर अडेप्ट करेगी। अब पिच तो चेंज हो नहीं सकती है, कंडीशंस बदली नहीं जा सकती हैं, क्या बदला जा सकता है कि आप कैसे गेम को अप्रोच करते हैं। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली अब सब आपस में यही बात कर रहे होंगे कि हमें विकेट के हिसाब से खेलना है, वैसे बोलिंग करनी है, क्योंकि अगर विकेट थोड़ा टफ होगा तो हमारे बोलर्स बाबा बहुत सक्षम है। अगर हम बुमराह, अश्लीप की बात करें, अपने स्पिनर्स खेमे की बात करें, इतना आसान नहीं होगा सॉल्ट के लिए, बटलर के लिए। लेकिन कॉन्ट्रेरी अगर हम इंग्लैंड बोलिंग की बात करते हैं, हमारे पास इतने सक्षम बल्लेबाज हैं,
कि वो अडेप्ट कर सकते हैं, रोहित अपना गियर बदल सकते हैं, विराट जब अपनी लय में आएंगे वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं, सूर्य कुमार यादव अपने दिन मैच को बदल सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे इंग्लैंड को एडी चोटी का जोर लगाना होगा, और भारत अगर अपने पोटेंशियल पे खेलती है, कोई कॉम्प्लिसेंसी नहीं दिखती है, तो हम फाइनल खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर मैच होता है और अच्छे से होता है तो फाइनल हम खेल रहे हैं, इसमें कोई शक यहाँ पर अब होना नहीं चाहिए, क्योंकि पिच जैसी यहाँ पर नजर आ रही है। अभिषेक, सब कुछ दारामदार इस बात पर कि शुरुआत कैसी होती है, रोहित शर्मा क्या उसी अंदाज में खेलेंगे जैसा वो पिछले मैच में खेले, तो क्या विराट कोहली का बल्ला चलेगा, क्या लगता है आपको? देखिये, रोहित का खेलने का तरीका बदलेगा नहीं, क्योंकि उन्हें शुरुआत से कहा है कि अग्रेसिव खेलेंगे, इंटेंट के साथ खेलेंगे, वो चाहते कि पूरी भारतीय टीम वैसे खेले। विराट कोहली का बल्ला चलेगा या नहीं, अशोक पाजी और हम और रितेंद्र काफी समय से बार बार लगातार कह रहे कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी उभर के आते हैं, और कहीं ना कहीं आज कोशिश जरूर होगी विराट कोहली की बड़े नॉकआउट मैच में, जितना भारतीय टीम ने उन्हें बैक किया है, जो सपोर्ट स्टाफ ने बैक किया है, आज बड़े मैच में इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाए। कहीं ना कहीं आप जब भी एक सेमीफाइनल मैच देखते हो, हमने काफी जिक्र की, चर्चा की मौसम का, मेरे हिसाब से अगर 20 ओवर का मैच होता है तो भारत का बल्ला भारी होगा, लेकिन मैच 20 ओवर का होना जरूरी है। अगर 10 ओवर, 15 ओवर या 12 ओवर का मैच हो जाता है तो फिर 50-50 गेम हो जाता है। चलिए, टॉस भी काफी महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, वहां जो प्रेडिक्शन होता है मौसम का, वो कितना एक्यूरेट होता है? मैंने पहले भी बताया था कि ये पिच रिपोर्ट जो है वो बहुत इन एग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि आप पिच को देखते हो कितना ग्रास है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये सभी चीजें मायने रखती है। लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो एक्सपर्ट्स पहले पिच को देखते हैं और उसके बाद जो गेम का रिजल्ट आता है उसमें काफी चेंजेस हो जाते हैं। कल का एग्जाम्पल लीजिए, अफगानिस्तान की मैच लीजिए, किसने प्रिडिक्ट किया कि अफगानिस्तान की ये वो वाली पिच ऐसे बिहेव करेगी? सो मेरे हिसाब से पिच का रिपोर्टिंग इज वेरी इन एग्जैक्ट साइंस। यस, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस हैज टू बी यूज, एक्सपीरियंस हैज टू बी यूज, बट ये वेदर जैसा है। वेदर अभी देखो, बारिश, अभी बादल यहाँ पे खुल गए, मुझे पता नहीं था कि ये बादल खुलने वाले हैं अभी। सो पिच का रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, बट इट्स नॉट परफेक्ट साइंस। चलिए अशोक जी, इस पर बहुत संक्षिप्त में आप भी बता दीजिए कि अगर बहुत लंबे वक्त तक बारिश होती है, इस तरीके का मौसम रहता है, तो पिच जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर सकती है? क्या बाउंस अनइवन हो सकता है, जो हमने पिछले कुछ मैचों में देखा है? अगर ऐसा होता है तब तो बहुत चिंता की बात हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, दोनों ही टीम के बल्लेबाजों के लिए चिंता की विषय है, और वैसे भी ये पिच ज्यादा बेहतर नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे भी बारिश हो रही है, गायना में वैसे भी इतनी बारिश होती है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पिच के एक्सपर्ट कहने को बहुत एक्सपर्ट, लेकिन सही कहते हैं, किसी को भी सही अंदाजा नहीं। अगर ठीक बैठ जाए तो आपका तुक्का तो ठीक है, नहीं बैठा तो फिर कोई बात नहीं, लगभग उसी अंदाज। लेकिन एक बात तय है कि बारिश अगर होती है तो फिर वो जैसे अभिषेक ने कहा, अगर जितना गेम छोटा होता चला जाएगा वो इंग्लिश अंग्रेजों के लिए बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि जितनी लंबी गेम है वो भारत के पक्ष में, और जैसे गेम छोटा होता चला जाएगा तब शायद, क्योंकि जितना गेम छोटा होता है जो थोड़ी कमजोर टीम है वो काफी हावी हो जाती है। रोहित, अब हम आगे बढ़ते हैं, कपिल देव पाजी ने क्या कहा है रोहित शर्मा? देयर इज एवरीबडी, व्हाई यू टेक ओनली रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, हार्दिक पांडे, कुलदीप, एवरीबडी हैव टू डू देयर जॉब टू विन द टूर्नामेंट, विन द मैचेस, ऑड पर्सन कैन कम आउट, विन द टूर्नामेंट, एवरीबडी हैव टू वर्क टुगेदर। तो सबको एक साथ खेलना है बाबा, और तभी जाके रिजल्ट आएगा, ये कपिल देव का कहना है। और यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी साफ कर दिया कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। जी हाँ, आपने सही कहा, और निश्चित रूप से आज के मैच में उम्मीद करते हैं कि रोहित वैसा ही खेले जैसा पिछले मैच में खेले हैं, और विराट भी चल जाए। और अब एक मेगा फोन पर अब एक सवाल है आपके लिए, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड स्कैन करके दे सकते हैं, आप अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल ये देखिए, आज बहुत बड़ा मैच है और इसी पर हमने आज आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या आज का जो मैच है, इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेगी?
अब सिर्फ एक कदम दूर है फाइनल से, इंग्लैंड को यहाँ पर मात देनी है बस आज के मैच में। तो QR कोड स्कैन कीजिए, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और अपना जवाब हम तक आप पहुँचाइए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तो गुगली T20 बैटल ग्राउंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उस मैच की जो थोड़ी देर बाद होनी है, भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल का मैच, और सीधे चलते हैं सोडी साहब के पास। आपको क्या लगता है कि तुरुप का इक्का हमारा कौन होगा? क्या कुलदीप जो है वो होंगे तुरुप का इक्का इस बार भारत के लिए? जी हाँ बाबा, देखिए कुलदीप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम रहने वाला है। तो ध्रुव के इक्के हमारे सारे बोलर्स भी हो सकते हैं। बुमराह के पास चाबी है, अर्शदीप के पास चाबी है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड की जो स्ट्रेंथ है ना, उनकी सलामी बल्लेबाजी है। सॉल्ट की बात करें, बटलर की बात करें, ताबड़तोड़ मारते हैं, अपने दिन मैच को प्रतिद्वंदी से दूर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बाबा, जिस तरह बुमराह का बॉल गिर रहा है, अर्शदीप का बॉल जैसे हिल रहा है, इतना आसान नहीं होगा। और अगर विकेट्स की बात करें, वो भी इतनी सपाट नहीं है जैसे IPL में मिलती है। तो जी हाँ, मुश्किल स्थिति यहाँ पे हो सकती है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि अगर हम सलामी बल्लेबाजी तोड़ देते हैं, उनके पहले 6 ओवर में 2 आउट कर लेते हैं, तो कैचअप रेस होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि बाद में हमारे स्पिनर्स आएंगे, वो शिकंजा और कसेंगे। तो जी हाँ, इफ ऑल गोज वेल, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेमीफाइनल है बाबा, उसका प्रेशर अलग होता है, लीग गेम्स का अलग प्रेशर है। यहाँ पे एक एक मूवमेंट, आपको एक एक ओवर जीतना होता है। तो हम आशा करते हैं भारत को आज जीत आसानी से मिलनी चाहिए, मैच फंसे भी ना, कोई टेंशन किसी को ना। नजर यहाँ पर रखनी होगी अभिषेक, अगर इंग्लैंड की तरफ की हम बात करें तो आदिल रशीद, आपको लगता है कि उन पर ध्यान देने की जरूरत है? पिछले 2 साल पहले का मैच, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, 2 बार कोहली को आउट कर चुके हैं, 2 बार सूर्य कुमार को आउट कर चुके हैं। ये देखिए वेस्ट इंडीज में भी जो कंडीशन है, हमने देखा कि अब जैसे गुगली डाल रहे हैं, जैसे विकेट चटका रहे, स्पिन गेंदबाज की अगर बात करें, वो एक स्पिन गेंदबाज है इंग्लैंड के लिए जो विकेट चटका सकते हैं। बाकी दोनों मोइन अली, लिविंगस्टन, वो पार्ट टाइम बोलर जैसे, वो रेगुलरली डालते नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो उनका अटैकिंग ऑप्शन जो है वो है राशिद। तो कहीं ना कहीं आदिल राशिद, अगर भारतीय बल्लेबाज उनके खिलाफ अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, तो उनके तेज गेंदबाज प्रेशर में आएंगे। जॉर्डन, सैम करन, ये ऐसे गेंदबाज है जिनके खिलाफ रन बना सकते हैं। तो जो तुरुप का इक्का इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में, मेरे हिसाब से वो आदिल रशीद है। अब अशोक सर, आपको क्या लगता है कि दोनों टीमें कागज पे देखिए तो काफी बैलेंस है, मैच करती हुई दिख रही है बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी और बैटिंग में भी? देखिए गेंदबाजी में हमारा पलड़ा भारी है बाबा, क्योंकि हमारे पास ऐसे गेंदबाज है, हमारे पास बुमराह है जो शायद अव्वल नंबर के गेंदबाज है, हमारे पास 3 बेहतरीन स्पिनर है जो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, और फिर पूरा जैसे पाकिस्तानी इंतजाम रिवर्स स्विंग की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब अर्शदीप भी काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो मिलजुल कर हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी है। अगर हम रन को बोर्ड पे लगा देते हैं, तो मेरे अगर 160-170 रन हम बोर्ड पे लगा देते हैं पहले बल्लेबाजी करके, तो मेरे को लगता है कि इसमें कोई शक शुबा नहीं कि ये जो फाइनल में पहुंचना हमारे लिए तय है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत निर्भर करती है सॉल्ट और बटलर पे। और अगर आप पहले यहाँ पर एक छोटा सवाल इसमें जोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे गेंदबाजों को बहुत अच्छे से खेलने का अनुभव बटलर को है और वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, आपको लगता है यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बटलर? अभी शायद दोनों ही जो खिलाड़ी हैं सॉल्ट और बटलर, वो ऑफ साइड पे बहुत बेहतर खेलते हैं, वो ऑफ साइड पे हाथ खोलते हैं, जिसके चलते बैट बैट पे गैप होने की संभावना। और हमारे जो दोनों ही तेज गेंदबाज हैं, चाहे आप बुमराह की बात करें या अर्शदीप की बात करें, वो अच्छा इन स्विंग करते हैं, हिट करके बॉल उनका अंदर की तरफ आता है, और बटलर का इतिहास है कि अंदर आती बॉल पर वो काफी बार आउट हुए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके लिए ये खतरे की घंटी के दोनों तरफ से इन स्विंगर्स गेंदबाज हैं, क्योंकि जब आप ऑफ साइड पे कवर ड्राइव मारने जाते हैं तो गैप बड़ा हो जाता है, बैट बैट में आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूँ, आज वक्त इतना ही है, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में, कहीं जाइएगा नहीं। NDTV इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।